हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट और स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी, है ना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी और वो है हिंदी व्याकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं और हिंदी व्याकरण का ये वीडियो फर्स्ट है। चूंकि हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इसको लाइव हम नहीं आ सकते हैं, है ना, चूंकि समय का अभाव है ना, और जैसे समय हमको मिलता है उसमें हम लोग यहाँ पे लाइव कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी आई मीन आपका वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आपका ये वीडियो नंबर फर्स्ट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है यहाँ पे, है ना। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे व्याकरण। क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? व्याकरण पढ़ाने वाले हैं और बहुत सारे तथ्य यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीज, जितने भी टॉपिक्स आपके मतलब व्याकरण के हैं आपके बोर्ड में आने वाले हैं, उन सारी चीजों की हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में। ठीक है, वो तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला वीडियो है और वीडियो पहला है तो हम लोग एकदम बेसिक लेके चलेंगे, एकदम शुरुआत से लेके चलेंगे और जितना आप लोग को पढ़ना है उतना हम यहाँ पे उसको कवर कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो है आपका है भाषा एवं व्याकरण। क्या है वो? भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, अब इसमें भाषा और व्याकरण में होता क्या है सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। हमने बुक ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और उसको हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मतलब अच्छा लगेगा और आप लोग लास्ट लास्ट तक देखिएगा और रेगुलर वीडियो को देखिएगा, आपका एकदम व्याकरण जो है वो कवर होगा, कहीं से मतलब इससे बाहर से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 30 मार्क्स जो है आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, 70 मार्क्स आपके लिटरेचर से पूछे जाते हैं और जो भी आपका पद गद भाग है उससे पूछे जाते हैं, उसके बाद से रिटेन वाला भाग जितना भी है उससे पूछा जाता है और 30 मार्क्स का जो है आपका व्याकरण पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पे जुड़े रहिएगा और लास्ट लास्ट तक जुड़े रहिएगा और लास्ट लास्ट तक वीडियो को देखिएगा अच्छे तरीके से। और वीडियो चूंकि हम लोग लंबा यहाँ पे नहीं बनाएंगे जिससे आपको तकलीफ हो देखने में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, और इसमें हमने आपको लेटर लिखना भी सिखाएंगे, आपको पत्र लेखन भी सिखाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जो यहाँ पे हम लोग कवर करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबू आपका है भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, ये आपका टॉपिक का नाम है भाषा एवं, है ना, क्या नाम है आपका? भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, आपके टॉपिक का नाम है क्या? वो भाषा एवं व्याकरण। दिखाई दे रहा है क्या स्पष्ट रूप से? तो ये है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, वो भाषा क्या होता है, है ना, भाषा क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना, वर्ण पढ़ेंगे उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद से संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद से लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, श्रुति संविधान शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद से मुहावरे वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद से कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपका टॉपिक जो है यहाँ पे आपके सामने आ गया है भाषा एवं व्याकरण। क्या है ये टॉपिक है आपका? भाषा एवं व्याकरण। तो चलिए भाषा की बात कर लेते हैं। तो भाषा क्या होता है सबसे पहले अगर बात करूं तो भाषा, है ना, भाषा क्या होता है? ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए बताइए भाषा, है ना, ये क्या होता है भाषा, तो आप लोग सिंपल सा जवाब दोगे बाबू, यह क्या होता है? यह एक माध्यम होता है। क्या होता है? यह एक माध्यम होता है। अब कहोगे भाई कि क्या माध्यम होता है, तो कैसा माध्यम होता है, इससे क्या होता है, माध्यम से, इस माध्यम से क्या होता है? तो बिल्कुल इस माध्यम से क्या होता है बाबू, इस माध्यम से होता है हम अपने विचारों का, है ना, हम अपनी संवेदनाओं का, हम अपनी चेतनाओं का, हम अपने भावों का क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं हम? एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं दूसरे के समक्ष, है ना, तो दूसरा कोई हमारी बातों को समझ पाता है, हमारे भावों को समझ पाता है, हमारी चेतना को समझ पाता है, हमारी संवेदनाशीलता को समझ पाता है। ठीक है, तो यह उसी का माध्यम है। क्या है ये? यह उसी का माध्यम है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं। और यहां पर बाबू भाषा का अगर इकाई कहा जाए, भाषा का इकाई कहा जाए तो उसको कहते हैं ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको कहते हैं ध्वनि कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप, क्या कहते हैं उसको? ध्वनि, है ना। और किस प्रकार की ध्वनि होनी चाहिए, ध्वनि किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। तो ध्वनि आप लोगों को पता होगा ध्वनि क्या होता है, अ आ ई, है ना, इस प्रकार से जितने भी ध्वनि होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं? वो भाषा की मूल इकाई होते हैं। क्या होते हैं वो सब भाषा की मूल इकाई होती है। ठीक है, तो आपने ध्वनि के बारे में सुना और यही ध्वनि आगे चल के वर्ण में तब्दील हो जाता है, है ना, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग आगे चल के वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो भाषा अभी आप लोगों ने देखा भाषा क्या होता है, भाषा एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, अपने मतलब
क्या बोलते हैं अपने संवेदनाओं को, या फिर कहने का मतलब अपने भाव को, है ना, या फिर अपने क्या बोलते हैं अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं हम लोग, प्रकट करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं, जिससे क्या होता है सामने वाला आदमी जो है हमको समझ पाता है, या फिर हम उसकी बातों को समझ पाते हैं, उसकी भावनाओं को हम लोग समझ पाते हैं, है ना। ये होता है आपका भाषा, और इसका मूल इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है। ये कैसे निर्माण होता है वो तो हम कह देंगे बाबू कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो ध्वनि से निर्माण होता है। भाषा का निर्माण कैसे होता है, ध्वनि से होता है। तो केवल ध्वनि से हो जाएगा, केवल अ कह देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं। ध्वनि से बाबू बनता है क्या, शब्द बनता है, शब्द से बनता है क्या आपका वाक्य बनता है ना। तो यहाँ पे ध्वनि से निर्माण तो होगा, ठीक है, ध्वनि से तो होगा, लेकिन उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद से होगा आपका शब्द होगा, ठीक है। शब्द के बाद क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, है ना। और वाक्य किस प्रकार का बनेगा वो, तो वाक्य बनेगा आपका सार्थक। किस प्रकार का बनेगा, वाक्य बनेगा आपका सार्थक। तो इन सभी चीजों को हम मिलाकर क्या करते हैं, हम लोग भाषा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने विचारों को दूसरे के सामने, दूसरे के समक्ष रख सके। ये होता है भाषा आपका, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है, तो अब चलिए हम पढ़ते हैं बाबू व्याकरण की। तो व्याकरण ऐसा शास्त्र होता है बाबू, है ना, व्याकरण ऐसा शास्त्र होता है जो क्या करता है, जो करता क्या है बाबू, भाषा की शुद्धि अशुद्धियों को ध्यान में रखता है ना। ये उसकी त्रुटियों को दूर करने का काम करता है व्याकरण। क्या करता है, उसकी त्रुटियों को दूर करने का काम करता है, कौन हमारा, व्याकरण करता है, ठीक है। तो व्याकरण की अगर बात करें बाबू, तो क्या क्या होता है, यह एक ऐसा शास्त्र होता है, या फिर कह सकते हैं ऐसा ग्रंथ होता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम भाषा की त्रुटियों को दूर करते हैं, है ना। भाषा की शुद्धि अशुद्धि को क्या करते हैं हम लोग, दूर करने का काम करते हैं, ठीक है। वो होता है आपका व्याकरण, ठीक है बाबू। यहां तक बातें क्लियर है। अब आता है वो आपका क्या आता है, अब आता है आपका वर्ण। क्या आता है, वर्ण आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से वो आता है वर्ण। तो ये होता है वो क्या होता है, ये ध्वनि होता है ना। ये क्या होता है, ध्वनि। और ध्वनि चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्ण कहते हैं, है ना। तो वो ध्वनि चिन्ह कौन कौन से होता है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अ, ठीक है, आ, आपने पढ़ा होगा अ, आ, ई, ठीक है, ई, उसके बाद से दीर्घी, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, उ, दीर्घ उ पढ़ा होगा ना, इस तरह से बिल्कुल, ओ, ठीक है, अ, आ, ई, ई, उ, उ, ओ, है ना, ओ, ठीक है, उसके बाद से ए, उसके बाद से ए, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस प्रकार से ये सब क्या है, ये सब ध्वनि चिन्ह है। क्या, ये सब ध्वनि चिन्ह है, अ, आ, ई, ई, उ, उ, ओ, औ, ए, ए, अंग, अ, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका, ठीक है, ये सब आपका ध्वनि चिन्ह होता है। चलिए मैंने पूरा लिख दिया है ना, डॉट डॉट करके दे रहा था मैं, ठीक है। ये सब क्या आपका ध्वनि चिन्ह है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत सारे वर्ण होते हैं बाबू, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बस एक ही वर्ण हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग स्वर वर्ण। क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या हो गया, आपका व्यंजन वर्ग हो गया, ठीक है, व्यंजन वर्ण हो गया। तो हम अब यहाँ पे वर्णों को दो प्रकार से बांट दिया। अभी हमने वर्णों को कितने प्रकार में बांटा, है ना, अभी हमने यहाँ पे वर्णों को कितने भागों में बांटा, तो दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, ठीक है। सबसे पहला हो क्या आपका, स्वर है, और दूसरा क्या आपका, व्यंजन है, है ना। सबसे पहला स्वर है, और दूसरा क्या आपका, व्यंजन है। तो चलिए सबसे पहले पहला ये स्वर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो स्वर क्या होता है वो सबसे पहले बताइए, स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट, स्वर होता क्या वो, ये वह वर्ण होता है जिसमें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, है ना। इसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है ना। वो वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं आती इसको बोलने में, है ना। इसको हम आसानी से बोल सकते हैं ना, इसका उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, है ना, इसमें कोई दूसरा वर्ण यहाँ पे इसका साथ नहीं देता, है ना, इसमें दूसरे वर्ण की सहभागिता नहीं होती, ये अकेले होता है, ठीक है, और इसको हम आसानी से बोल सकते हैं। ये होता है आपका स्वर वर्ण। तो फिर व्यंजन वर्ण की बात करा वो, तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण बाबू क्या होता है, इसका उच्चारण जो होता है स्वर वर्ण की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण क्या होता है, स्वर वर्ण की सहायता से होता है इसका उच्चारण, है ना। वो क्या होता है, व्यंजन होता है। जैसे बात करा वो क, क्या कह रहे हैं हम कहे क, क, क तो कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण का हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से परिभाषा मैंने आपको बता रखा है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो क्या होता है, वो स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे क, क कहे ना, उसी तरह से ख, ग, है ना, ये क्या है, ये सब व्यंजन वर्ण में आते हैं। क्या होता है अब, ये सब व्यंजन वर्ण में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्ण को देख लेते हैं, हम स्पष्ट रूप से थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग।
तो यहाँ पे मैंने बताया था वो आपको स्पष्ट रूप से कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हिंदी भाषा में है ना वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या वो होती है 52, यानी 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णों में, सॉरी, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इतना आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जैसे सुनिएगा वो ध्यान से, इसमें इसमें उसके बाद से स्वर की बात कर ले अगर, तो स्वर वर्ण भी आगे चल के है ना यहाँ पे तीन भागों में बढ़ जाता है। स्वर वर्ण भी आगे चल के कितने भागों में बढ़ जाता है? तीन भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहला होता है वो ह्रस्व स्वर होता है ना, ह्रस्व स्वर वर्ण होता है। उसके बाद से होता है दीर्घ स्वर वर्ण होता है। उसके बाद से होता है कौन? संयुक्त स्वर वर्ण होता है। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर की बात करें, जिसके उच्चारण में तक्षणिक समय लगे, यानी बहुत ही कम समय लगे, है ना, जिसको हम लोग बिना बिना मतलब ज्यादा समय लिए हम उसका उच्चारण कर ले। जैसे उसमें आता वो अ ई ए है ना, अ ई ए, उसके बाद से उ है ना, ये छोटा उ की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके छोटा उ की बात कर रहे हैं। ये सब क्या होता है? ये सब ह्रस्व स्वर होता है। जैसे बात करें बाबू हम अ है ना, अ क्या होता है? छोटा होता है, अ इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें हम यहाँ पे ई, छोटा ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद से ए, उसके बाद से उ, सॉरी ये छोटा उ है बाबू, ठीक है। ये सब क्या होता है? ये सब ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होता है? ये सब ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। तो फिर अब दीर्घ स्वर की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। तो स्पष्ट रूप से इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि दीर्घ स्वर क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आता है वो ध्यान दीजिएगा, आ, ठीक है, आ ई, ठीक है, और कौन अब यहाँ पे उ, ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में थोड़ा सा हमको समय लगता है, आ ई उ है ना, इसके उच्चारण में हमको समय लग रहा है। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका दीर्घ स्वर हो गया। अब यहाँ पे बात करता हूँ क्या, यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे संयुक्त स्वर। क्या होता है यहाँ पे? अब यहाँ पे आ गया संयुक्त है ना स्वर, ध्यान रखिएगा। संयुक्त स्वर में क्या होता है वो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और ये कौन कौन से होते हैं? ए होते हैं, अ होते हैं, ठीक है, ओ होते हैं, ठीक, उसके बाद से यहाँ पे अ होते हैं, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आया री, ठीक है। ये सब क्या होता है? ये सब संयुक्त स्वर होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है दूसरे स्वर की सहायता होती है ना, और ये दूसरे स्वर की सहायता से ये बनते हैं, है ना। इसमें एक स्वर नहीं, दो स्वर जो है, इसमें एक स्वर नहीं, इसमें दो स्वरों की सहायता से क्या होता है? इस वर्ण का निर्माण होता है ना, और तब जाके ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देख लिया, हमने देखा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के प्रकार देख लिया हमने, ह्रस्व देख लिया, दीर्घ देख लिया, और क्या देख लिया? संयुक्त देख लिया। तो ह्रस्व स्वर की बात आ गई तो यहाँ पे पता चलेगा आपको अ ई ए उ, उसके बाद से दीर्घ की बात करें तो यहाँ पे आएगा आ ई और उ, उसके बाद से यहाँ पे संयुक्त स्वर की बात करें अगर तो संयुक्त स्वर में आएगा ए ऐ ओ और री, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? आपके संयुक्त स्वर हो गए, ठीक है वो। तो यहां तक उन्होंने स्वर की बात कर ली। अब उसके बाद से आता वो क्या? आपका व्यंजन वर्ण। क्या आता है? आपका व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से सभी पूरा वीडियो एकदम देखिएगा, लास्ट लास्ट तक वीडियो देखिएगा अच्छे तरीके से, है ना। और हिंदी का सिलसिला जारी हो गया है ना, और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हिंदी का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद से सुनता हूँ हम यहाँ पे व्यंजन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? व्यंजन की। ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है भैया। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, तो इसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है ना। व्यंजन वर्ण का क्या होता है? स्वर्ण वर्ण की सहायता से क्या होता है? इसका उच्चारण होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है वो आपका है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें आता है वो आपका क वर्ग आ जाएगा, यानी क ख ग घ है ना, ये क वर्ग हो गए। उसके बाद से च वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये च वर्ग आ जाएगा। उसके बाद से क्या आएगा बताइए जल्दी से? त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या होते हैं? ये सब व्यंजन वर्ण के उदाहरण है। क्या होते हैं अब? ये सब व्यंजन वर्ण के उदाहरण। ये वर्ग कहने का मतलब ये क का पूरा वर्ग, जैसे क ख ग घ, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे च छ ज ज, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे त थ द, ये सब क्या होते हैं? ये सब व्यंजन वर्ण के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? ये सब व्यंजन वर्ण के उदाहरण होते हैं। और ये जो होते हैं इनका उच्चारण जो होता है किसके सहायता से होता है? स्वर वर्णों की सहायता से इसका उच्चारण होता है ना। जैसे क यानी कहलंत जोड़ अ, यहाँ पे देखिएगा कहलंत जोड़ अ, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण आया,
तब जाके हुआ है ये क, तब जाके हुआ है ये क, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क हलंत और जोड़ अ मिला है यहाँ पे, ठीक है। तब जाके बना है क्या आपका, क बना है, तब जाके क्या बना है आपका, क बना है। बातें समझ में आ रही है आपको, तब जाके क्या बना है ये, क बना है आपका, ठीक है। उसके बाद से सुने और ध्यान से यहाँ पे, अब उसके बाद से यहाँ पे है एक अंतस्त वर्ण, क्या है यहाँ पे, अंतस्त वर्ण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतस्त, ठीक है, अंतस्त, ठीक, सॉरी बाबू, ठीक है, ये है आपका अंतस्त। इसमें आता हूं कौन, य र, ठीक है, ल, ये सब आते हैं, अब इसमें ध्यान रखिएगा, य है ना, र ल, उसके बाद से अब व, और है अब यहाँ पे और व, ठीक है। ये चार जो होते हैं आपका अंतस्त वर्ण होते हैं, ठीक है, ये चार जो होते हैं आपका, ये व, ठीक है, ये ल, र और यह अंतस्त वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह अंतस्त वर्ण होते हैं और इसे स्वर या व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में स्थित होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अंतस्त वर्ण कहा जाता है। तो हमने देखा वो अभी व्यंजन वर्ण देखा, ठीक है, उसके बाद से हमने देखा स्वर वर्ण के बारे में देखा, उसके प्रकार देखा, भाषा देखा, ध्वनि देखा, ठीक है, उसके बाद से हमने व्यंजन वर्ण देखा, ठीक है। व्यंजन वर्ण में कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे अंतस्त वर्ण भी देख लिया, उसके बाद से अब उष्ण व्यंजन भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन बाबू कौन कौन आता है, ध्यान रखिएगा, स, मूर्धन्य ष, ठीक है, उसके बाद से दंत स और ह, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब उष्ण व्यंजन होते हैं। अब उष्ण व्यंजन कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, इसका उच्चारण घर्षण के उपरांत होता है, क्या होता है इसका उच्चारण, इसका उच्चारण घर्षण के उपरांत होता है, है ना, यानी जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, घर्षण, या फिर कह सकते हैं जब इसके उच्चारण के समय क्या होती है, मुख से गर्म वायु निकलती है, है ना, क्या होती है, यहां से मुख से गर्म वायु निकलती है, है ना, और इसको घर्षण के उपरांत ही इसको बोलते हैं, और घर्षण के कारण क्या होती है, उष्ण वायु भी यहां से निकलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन भी कहते हैं हम लोग। जैसे स हो गया, श, ये तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये सब क्या होते हैं, ये सब उष्ण व्यंजन के क्या होते हैं, आपके रूप है, ठीक है, या फिर कह सकते हो उष्ण व्यंजन रूप, क्या बाबू, उष्ण व्यंजन ही है वो, ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर है। उसके बाद से वो आता है आपका, ध्यान रखिएगा, उसके बाद से चलिए हमने यहां पर देख लिया, उसके बाद से बाबू कुछ आते हैं यहां पे, तीन व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, छत्र ज्ञ, ध्यान रखिएगा, यहां पे छ है ना, त्र और ज्ञ, ये आपके आते हैं संयुक्त वर्ण, इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं इसको, या फिर संयुक्ताक्षर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग, इसको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, ठीक है, इसको संयुक्त वर्ण कहिए या फिर संयुक्ताक्षर भी कहिए, ये व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं ये व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें क्या, जैसे क्या हो सकता है, जैसे इसका अगर बात करें हम, तो ये होता है क और प्लस श, ठीक है, ये मिलता है तब जाके छ बनता है, ठीक है, ये क हलंत है ना, और स के मिलने से क्या बन गया आपका, छ बन गया। और तरह की अगर बात करूं यहाँ पे, तो त हलंत और जोड़ है ना र मिलके बन गया आपका तरह, ठीक है। उसी तरह से आपका ज्ञ की बात करें, तो ज्ञ में बन गया ज और जोड़ यहाँ मिलके बन गया आपका ज्ञ, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, वो ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण, है ना, संयुक्त है ना व्यंजन वर्ण, ये क्या होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया उष्ण व्यंजन, उसके बाद संयुक्ताक्षर जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं इसको, है ना, वो कौन कौन से होते हैं, वो छ, त्र और ज्ञ होते हैं, क्या होते हैं वो सब छ, त्र और ज्ञ होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद सब और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, और भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, ठीक है। और नया टॉपिक जो है कल संज्ञा शुरू करेंगे, है ना, उसके बाद से हम लोग लिंग और वचन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, है ना, इसके कारण से हम लोग बस आज इतना ही हम लोग पढ़ के रन देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, ठीक है। और आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग संज्ञा के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय फ्रेंड्स।